धार जिले के कुक्षी में अनंत चतुर्दशी उत्सव के दौरान झांकियों के चल समारोह पर हुए पथराव की घटना के विरोध में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जहां कुक्षी नगर लगातार आज चौथे दिन भी बंद रहा। नगर का बस स्टैंड क्षेत्र भी सुनसान देखा गया और कोई भी बस नहीं चली, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयां हो रही है। वहीं जिले में अनेक स्थानों पर कुक्षी नगर की घटना का विरोध देखा जा रहा है। इधर कुक्षी में पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया तथा 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इधर कुक्षी नगर में लगातार चौथे दिन बंद के दौरान लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में आज सकल हिंदू समाज जनों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर SDM कुक्षी RC खतेड़िया को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि झांकियों के चल समारोह पर हुए पथराव के आरोपियों के मकान ध्वस्त किए जाएं और प्रशासन उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में उपद्रवियों को सबक मिल सके। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों से कुक्षी SDM खतेड़िया ने आह्वान किया कि लोगों को परेशानियों को देखते हुए नगर का व्यवसाय सुचारू करे। लोगों को आम जरूरत की चीजों के लिए काफी कठिनाइयां हो रही है, वहीं प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में लगा हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर कुक्षी के थाना प्रभारी राजेश यादव ने पुलिस द्वारा की जा रही कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। इधर कुक्षी विधानसभा का ग्राम डेहरी भी आज कुक्षी में हुए पथराव की घटना के विरोध में बंद रहा। लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नगर की जनता द्वारा स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। इस दौरान सकल हिंदू समाज द्वारा नगर के कालिका माता मंदिर परिसर से एकत्रित होकर एक रैली निकालकर पुलिस चौकी डेहरी पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया और घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन मकानों से पथराव किए गए उन मकानों को ध्वस्त करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। गणेश विसर्जन के दौरान यात्रा में पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से पूरे हिंदू समाज में आक्रोश छाया हुआ है। शासन प्रशासन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सूचना करता हूँ, हिंदू समाज यहाँ पर खड़ा है, बोलो भारत माता की। दूर से दवाई लाना पड़ रही है, इसलिए मेरा करबद्ध आपसे अनुरोध है कि कुक्षी को यथावत स्थिति में लाने का अनुरोध है और इसको शीघ्र ही लाने का सभी समाजजनों को प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये अनंत चतुर्दशी का जो जुलूस था, इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसके तत्काल बाद अभी तक हमने 7 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आज दिनांक को भी हमने 2 आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसमें एक आरोपी अफजल जो नामजद FIR हुई थी उसमें का ये आरोपी है, इसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर दिया गया है। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला को पुलिस ने धार से पकड़ा है, जिसके खिलाफ हम अभी पूछताछ करके इसको भी कल कोर्ट में पेश करके आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमने 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें लगातार हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरी आम जनता से अपील है कि कुक्षी एक शांति का टापू नगर है, यहाँ पे सब समझदार लोग हैं, तो आप इस कुक्षी नगर की अमन चैन शांति बहाली के लिए सभी लोग प्रयास करें और कुक्षी को एक सुंदर नगर का रूप दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और पुलिस की जो कार्रवाई है, प्रशासन की जो कार्रवाई है, वो निरंतर जारी है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं। पथराव करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर इनके मकान ध्वस्त करने की मांग करता है। कुक्षी में बड़पुरा क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी जुलूस के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी छतों से की गई है एवं धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न पैदा किया गया है। हिंदू लोगों के ऊपर जबरन हिंसक हमला किया गया है, उसके विरोध में डेहरी नगर हिंदू सकाल समाज पुलिस चौकी के ऊपर ज्ञापन देने के लिए आया है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इन लोगों के मकान ध्वस्त किए जाए एवं उचित कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। हिंदू समाज द्वारा जो कुक्षी में विशेष समुदाय द्वारा ये असामाजिक तत्व द्वारा उपद्रव किया गया, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया कि डेहरी के हिंदू संगठन द्वारा शांतिपूर्ण बंद किया गया, इसलिए सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी ने बहुत गाँव के आसों में सहयोग किया। उप निरीक्षक जगदीश चौहान।